नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। आज 6 अक्टूबर को किसानों के खाते में जमा होंगे इस योजना की राशि। सीएम बघेल 8 करोड़ 13 लाख का करेंगे भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.67 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.34 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 1.69 करोड़ और महिला समूहों को 1.11 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। 6 अक्टूबर को 8.13 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 सितंबर तक खरीदे गए 82.50 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीणों को 165 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 6 अक्टूबर को गोबर विक्रेताओं को 5.34 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 170.64 करोड़ रुपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 159.41 करोड़ रुपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूह को 6 अक्टूबर को 2.79 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 162.21 करोड़ रुपए हो जाएगा।